नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। एक तस्वीर देखिए, ये एकन्ने मार्ग की तस्वीर है मुख्यमंत्री आवास की। यहां पर जेडीयू की एक अहम बैठक हुई है आज और चुनाव की रणनीति तय हुई है। पार्टी ने तय किया है इस बैठक में कि आगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से चुनाव की तैयारी करना है। सबसे खास बात यह है कि आज की इस बैठक में जेडीयू के जो चुनावी रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर, उनको नहीं बुलाया गया। और जब मीडिया ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने जवाब भी दे दिया। तो पहली बार आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया और कहा कि उनकी जो पार्टी है, गरीबों की, दलितों की, शोषितों की और गाँव गंवई के लोगों की पार्टी है, उनकी पार्टी बहुत हाई फाई लोगों की पार्टी है नहीं। और उनके जो समर्थक हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, चाहे वो समर्थक हों या कार्यकर्ता हों, वो ट्वीट की भाषा समझते नहीं हैं। तो उन्हें नहीं पता कि कौन क्या ट्वीट कर रहा है। और उन्होंने कहा कि जिसको पार्टी में रहना है रहे, जिसको जाना है जा सकता है, लेकिन पार्टी में अगर रहना है तो पार्टी का जो सिद्धांत है, जो नीति है, जो कार्यक्रम है, उसका अनुपालन करना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली बार आज खुलकर प्रतिक्रिया दी है प्रशांत किशोर पर और ये साफ कर दिया है कि अगर पार्टी में बने रहना है तो पार्टी के लाइन से हटकर आप नहीं चल सकते, पार्टी के नीति का, सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। आपको पता है कि प्रशांत किशोर लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं पर हमला कर रहे हैं, लगातार CCA और NRC को लेकर। अमित शाह पर हमला किया, फिर सुशील कुमार मोदी पर लगातार हमला कर रहे हैं और इससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असहज दिखे। उन्होंने कहा कि इस तरह के ट्वीट को क्या मतलब है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। अगर कोई इस तरह से लगातार अपने मन से कोई ट्वीट कर रहा है तो उसकी मर्जी, लेकिन पार्टी में रहना है तो पार्टी लाइन को अपनाना पड़ेगा। पार्टी लाइन से हटकर कोई इस तरह से पार्टी में नहीं बना रह सकता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि अगर प्रशांत किशोर ने अपना तरीका नहीं बदला और इसी तरह से बीजेपी पर हमला करते रहे तो पार्टी उनसे किनारा कर सकती है। आपको सुनाता हूँ नीतीश कुमार का क्या स्टेटमेंट है, क्या उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिए। समझ गए ना, एक व्यक्ति क्या चिट्ठी लिखे, क्या की उस पर हम कह दिए। कोई ट्वीट कर रहा तो ट्वीट करें, उसमें को क्या मतलब है। जब तक किसी की इच्छा रहेगी पार्टी में रहने की, रहेगा, कहीं जाना चाहेगा जाएगा। हम लोगों की पार्टी अलग किस्म की पार्टी है भाई। ये ट्वीट का हमारे यहां क्या मतलब है बताइए ना। सब हम लोगों का साधारण कैटेगरी के लोग हम लोगों के यहां है, आम लोग हैं। कोई इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोगों की वाली पार्टी तो ये है नहीं, बड़े लोगों वाली पार्टी। लेकिन भाई हम तो इज्जत देते हैं, हम तो सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर इन सब चीज़ों में कोई बात है तो अपना अपना ओपिनियन, हमारे पार्टी को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। ट्वीट किया जा रहा है, वो बीजेपी के नेता हैं, आपके सहयोगी, छोड़िए ना अपना मतलब जहां जाए। अब वो आया कैसे भाई, हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराइए, तभी सब हमसे कहा के लिए पूछ रहे हैं भाई। कोई कुछ करता है तो मन और होगा, कहीं जाने का मन होगा, स्ट्रेटजिस्ट के रूप में किसी किसी का काम करता है, जो खबरों में है कि आम आदमी पार्टी का काम कर रहा था। भाई अलग अलग आदमी का अलग अलग काम है, उस पर हम लोगों को मत अब इसमें कहिए। उन्हीं से पूछ लीजिए रहिएगा कि नहीं रहिएगा, रहेगा तो भी ठीक, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन रहेगा तो पार्टी का जो बुनियादी ढांचा है उसको अंगीकार करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। दिल्ली कब जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए? 30 के बाद कोई डेट तय होगा, उसी में जाएंगे। 30 तारीख तक तो यहाँ इंगेज हैं, आप जानते ही हैं, लेकिन 30 के बाद वहाँ के प्रभारी हैं संजय झा जी, वो तय करके बता देंगे, उसी आधार पर चले जाएंगे। तो आपने सुन लिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पवन वर्मा के बारे में पहले ही कह चुके हैं और अब प्रशांत किशोर पर उन्होंने खुलकर अपनी राय दे दी है। तो जाहिर है कि अब प्रशांत किशोर को या तो बदलना पड़ेगा पार्टी के अनुसार, पार्टी के हिसाब से चलना पड़ेगा, या फिर पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज की बातों से साफ हो गई है कि वो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पार्टी में बने रहें, लेकिन पार्टी के नियमों को तोड़े नहीं और पार्टी के लाइन से हटकर इस तरह का कोई बयान न दें, ट्वीट न करें। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।